लास्ट क्लास में हम लोग फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला मेथड उसको किए थे। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 का 1 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट फाइंड कीजिए और अगर रियल रूट्स है तो उस रियल रूट्स को फाइंड कीजिए। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² minus 3x plus 5 equal to 0. Here we know that a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. Then we find d. D is equal to b square minus 4ac. This is equal to minus 3 ka whole square minus 4a and c. This is equal to 9 minus 40 is equal to minus 31। नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हो गया नो रियल रूट्स। बताए होंगे जब नेचर ऑफ रूट्स बताए होंगे कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग डी फाइंड करते हैं और डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो 4 2 जा 8 5 जा 40 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 31 आया। माइनस 31 क्या है? माइनस 31 है d लेस देन 0। इट मींस नो रियल रूट्स। लेस देन 0 आ गया इसका मतलब नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स है ही नहीं इसको हमको फाइंड नहीं करना है क्योंकि आपको क्लास 10 में रियल रूट्स की भी पढ़ना है। नो रियल रूट्स। एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है तो आगे रूट्स फाइंड नहीं करना है। अगर रियल रूट्स होता तो वी फाइंड रूट्स। ओके, किसी को दिक्कत है इसमें? बॉयज एंड गर्ल्स एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो? तो वी इरेज बोर्ड एंड डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। वन का टू, टू में है 3x² माइनस 4 रूट 3x। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। We find d, d is equal to b square minus 4ac. B is equal to minus 4 root 3 whole square, b square minus 4a. A value of a 3 and value of c. Minus 4 ka square 16 into 3, 48. 48 minus 48 is equal to d is equal to 0. डी जब जीरो होता है तो क्या होता है?
डी अगर जीरो है तो उस कंडीशंस में टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, और जब टू इक्वल रियल रूट्स होता है तो रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी बाई टू ए, वैल्यू ऑफ बी माइनस फोर रूट थ्री एंड टू इंटू थ्री इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस फोर रूट थ्री बाई टू रूट थ्री, टू टू जा फोर, इट मीन्स टू रूट थ्री बाई थ्री, दो इक्वल रूट्स होगा टू रूट थ्री बाई थ्री, इट इज क्लियर। यहां पे टू इक्वल रियल रूट्स था इसलिए इसका वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, यानी माइनस माइनस फोर रूट थ्री, इट मीन्स प्लस फोर रूट थ्री बाई टू इंटू थ्री, टू टू जा फोर, टू रूट थ्री बाई थ्री, टू रूट थ्री बाई थ्री इज द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? It is clear, all of you? Then erase कर दें। Next question. क्वेश्चन नंबर थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके, हियर ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस सिक्स एंड सी इक्वल टू थ्री, देन वी फाइंड डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, it means d is equal to b, b means minus 6 का square minus 4 a c, so 36 minus 24, d is equal to 12, it means d greater than 0, d equal to 12, d greater than 0, then d greater than 0, it means 2 distinct, two distinct real roots, two distinct real roots, d greater than zero, two distinct real roots, then we find the x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो रूट्स निकालने का तरीका यही है, एक्स इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, देन वी फाइंड माइनस बी, तो बी का वैल्यू है माइनस सिक्स, तो माइनस माइनस सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू है ट्वेल्व बाई टू ए, ए का वैल्यू है टू, हो गया सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टू रूट थ्री लिख सकते हैं। ट्वेल्व का मतलब क्या हो गया, फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व मीन्स फोर इंटू थ्री, और फोर का हो गया रूट टू एंड रूट थ्री रह गया, तो प्लस माइनस टू रूट थ्री बाई फोर, दिस इज इक्वल टू टू कॉमन ले लीजिए, तो टू थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई फोर, टू से टू कट गया, यानी इट मीन्स इसका जो दो रूट्स हो गया, एक हो गया क्या, सपोज अगर उसको अल्फा मानेंगे तो अल्फा हो गया थ्री प्लस रूट थ्री एंड बीटा हो गया थ्री माइनस रूट थ्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं दो रूट्स हो गया, या दोनों एक्स का वैल्यू ही मान लीजिए, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। बाई टू रह जाएगा, नीचे फोर था, ओके तो तीन क्वेश्चन था, तीनों में एक में नो रियल रूट्स था, एक क्वेश्चन में टू इक्वल रियल रूट्स था, एंड इन दिस क्वेश्चन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तीनों में इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, जहां जो अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम, ओके बॉय एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करने के बाद यू डिसाइड रूट्स, रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट टू रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, ये तीनों में से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बॉय एंड गर्ल्स, 23 पार्टिसिपेंट प्रेजेंट इन हेयर, अखौरी अभिजीत, यस सर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। वन टाइप का क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स का आपको बता दिया गया, एनी प्रॉब्लम, नो सर, कुमारी सोनल, नो सर, ओके, नुद्रत, देन नेक्स्ट राज टेनेट, नो सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, टू में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट इक्वल रूट्स,
इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट की रूट्स आर इक्वल देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के. टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो देन हियर ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू के. ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म. फर्स्ट वी फाइंड डी. डी इक्वल टू b square minus 4ac, b is equal to k, k square minus 4a and c, this is equal to k square minus 24. So d का वैल्यू हो गया k square minus 24. Given that 4 equal roots, 4 equal roots, d is equal to 0. इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होगा? जीरो होगा. इट मींस वैल्यू ऑफ डी के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो. तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू रूट अंडर 24. 24 को हम क्या कर लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 × 2 24 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके इंटू 3. 2 × 2 का मतलब 1 × 2 बाहर निकल जाएगा, 2√6. तो वैल्यू ऑफ के 2√6. के का वैल्यू क्या होगा? 2√6. वैल्यू ऑफ के 2√6. ओके, इट इज क्लियर. इस तरह से जब भी हमको अननोन दिया रहेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इरेज कर दे बोर्ड को, बॉयज एंड गर्ल्स प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए. आ रहा फिर भी अपना कॉपी में बनाते रहिए. नेक्स्ट बन जाएगा खोरी, बन जाएगा परेशान का है. के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. एट प्रेजेंट टाइम दिस इज नॉट इन द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट वी चेंज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट वी चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx plus 6 is equal to 0. So a is equal to k
b is equal to minus 2kx and c is equal to 6. Then d is equal to b square minus 4ac. D का वैल्यू है b square minus 4ac. It means value of b minus 2k. Minus 2k का स्क्वायर माइनस 4, a means k and c means 6. तो 4k square minus 24k. 4 equal roots d equal to 0. It means 4k square minus 24k is equal to 0. 4k common लेंगे तो k minus 6 is equal to 0. It means 4k is equal to 0 and k minus 6 is equal to 0. So k is equal to 6 is the first root and k is equal to 0. 0 and 6. Any problem? It is clear or not? ये clear है या नहीं boys and girls? इसको erase कर दें, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इस तरह से आपको हम बोल रहे थे कि इस तरह से हम लोग इतने तरह का problem इसमें solve करते हैं। फर्स्ट वन मार्क्स का क्वेश्चन है कि क्वाड्रिकेशन के फॉर्म में है या नहीं, जो हम लोग 4.1 में डिस्कस किए। देन आफ्टर फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रिकेशन बाय यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी फैक्टराइजेशन। सेकंड है कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, जो अभी फिलहाल सिलेबस में डिलीटेड है। फोर्थ है यूजिंग फार्मूला मेथड, उसको हमने बना लिया। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन कि आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए कि इसका क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, टू डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स होगा या नो रियल रूट्स होगा। ये सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वर्क है कि क्वेश्चंस को पढ़ करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, देन आफ्टर उसको सॉल्व करना है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम्स में ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हमको हमेशा सिर्फ वन वेरिएबल ही लेकर के चलना है। 99% क्वेश्चन में हम लोग वन वेरिएबल लेके चलते हैं और हमारा वर्क हो जाता है, बट कहीं कहीं पर हमको दो वेरिएबल भी लेके चलना पड़ता है। लेकिन वो दो वेरिएबल्स आगे चल करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चेंज हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे पॉसिबल है वहां पे हम लोग वन वेरिएबल लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर रहेगा वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें आपको हमेशा सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा।
और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे दो इक्वेशन बनेगा, उस दोनों को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया सबको? तो अखौरी दो तीन दिन से परेशान है एक क्वेश्चन में, कौन क्वेश्चन था जी? अखौरी अभिजीत कुमार दो तीन दिन से कौन सा क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, पहले उसी को बता लेते हैं तभी हम दूसरा बताएंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कहीं से शुरू करना है तो अखौरी बेचारा परेशान है दो दिन से, पहले उसको बनाते हैं। 4.123 3 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक कॉन्सेप्ट है जो 8 क्लास में पढ़ना है, वाटर टैप वाला। उस कॉन्सेप्ट पे टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours। यानी दो वाटर टैप मिल करके 9 and 3/8 hours में फिल करता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस देन स्मॉलर डायमीटर। यानी जिस टैप का डायमीटर ज्यादा है स्मॉलर से 10 घंटा समय उसको कम लगता है भरने में, अगर अलग अलग भरा जाएगा तो। फाइंड द टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल इन द टैंक। यानी दोनों टैप अलग अलग, दोनों टैप जो है वो अलग अलग कितने देर में इसको फिल करेगा। तो दोनों का समय मान लेते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है, लार्जर वाला का टाइम डिपेंड कर रहा है स्मॉलर वाले पे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर वाले को मान लेंगे। ये है आपका एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, उसको क्या माने, बड़ा वाला का जो समय है छोटे वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो बड़ा वाला को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि लेट द स्मॉलर, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक, द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन एक्स आवर्स। क्योंकि लार्जर वाला जो है स्मॉलर वाले पे डिपेंड कर रहा है, लार्जर वाला जो है वो स्मॉलर वाले पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए, स्मॉलर वाले को एक्स आवर्स मान ली। लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन एक्स आवर, देन द लार्जर टैप, अगर स्मॉलर टैप अगर एक आवर में फिल कर रहा तो लार्जर टैप फिल द टैंक इन एक्स माइनस 3 hours। बड़े वाले को क्या लगता है, 10 घंटा समय कम लगता है, और दोनों मिल करके कितना में करता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर, बोथ टुगेदर टू फिल द टैंक, वो है आपका 9 and 3/8। तो 75/8 hours। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह में, जिस एक आवर में ए जो है एक आवर में फुल कर दे रहा तो 1 hour में कितना वर्क होगा, एक आवर में फुल हो जा रहा तो 1 hour में हो जाएगा 1/x। सिमिलरली ए एक्स माइनस 10 hours में फुल हो रहा है तो 1 hour में क्या हो जाएगा, 1/x-10। और दोनों मिल के इतना आवर में फुल कर रहा तो दोनों मिल करके 1 hour का क्या हो जाएगा,
8/75. एनी प्रॉब्लम? अकेले का वन, मतलब स्मॉलर टैप अगर 1 आवर में कितना काम करेगा 1/x, लार्जर टैप 1 आवर में 1/x-10, और दोनों मिल करके 1 आवर में 8/75. इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे x into x-10, हियर x-10 + x इज इक्वल टू 8/75. हियर 2x-10/x²-10x इज इक्वल टू 8/75. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 into 2x-10, 8 into x²-10x, ये हो जाएगा 150x-750, 8x²-80x. सबको LHS मिलाइए तो क्या होगा, 150x-75 ये आ जाएगा -8x²+80x = 0. 8x² RHS में था तो वहां से LHS में आया तो माइनस हो गया, माइनस 80x आया था प्लस हो गया. अब इसको अरेंज कर दीजिए. अरेंज मींस सबसे पहले हो जाएगा -8x², देन 150x + 80x कितना हो जाएगा 230x एंड -750 = 0. माइनस 2 कॉमन लेकर के हटा दीजिए और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कीजिए एंड सेंड कीजिए चैट बॉक्स में. आंसर फाइंड करके चैट बॉक्स में सेंड कीजिए. तो ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा यू आर फ्री, तब आप फ्री हो जाइएगा किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए. बट जनरली हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में. हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. अगर इजिली फैक्टराइज हो जाता है ओके, अदरवाइज वी यूज फॉर्मूला. नहीं हो पाता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. ओके, एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. देन पॉजिटिव इज आंसर एंड नेगेटिव को तो लेंगे नहीं टाइम पीरियड में. टेन एफ का स्टूडेंट बना के दिखाया, वेरी गुड. सबका हो गया, सबको समझ में आ गया स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ही मेन है. स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? तो ओके, एनी प्रॉब्लम? तो देन वी कंक्लूड द मीटिंग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी लेसन का पहले वर्क ओवर बना लेंगे. जब इसको शुरू कर दिए हैं 4.3 को, तो पहले 4.3 का ही सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में. 4.3 बना लेंगे तब फिर जाकर के नेक्स्ट जो और भी लेसन है सारा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग 1/1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना लेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग, वेरी गुड अफोरी, वेरी गुड. उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, गुड बाय. इसमें देखिएगा एक्सरसाइज, जो वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपसे बनेगा वो बना के लाइएगा.
अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके।